देखो देखो मैं यहाँ हूँ। नहीं नहीं वो वहाँ हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपकी आवाज़ तो आ गई ना उस्ताद, अब आपको ही पहले आउट करूँगा। पकड़ लिया। अरे उस्ताद लेकिन आपके बदन पे इतने बाल कैसे हो गए? तो कैसा लगा इन दो पुतलियों का नाटक है? बहुत अच्छा पुतली बाबा। एक बार फिर से नाटक दिखाओ ना पुतली बाबा। कल पुतली बाबा का नाटक फिर से होगा, इसलिए नाटक देखने जरूर आना, ठीक है? शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। हाँ? ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। ये नाटक भी काफी लाजवाब था पुतली बाबा। मेरी बेटी इंदुमती ने आपके लिए स्वादिष्ट समोसों का इंतजाम किया है। वाह वाह शुक्रिया। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। ओहो, वही तो सही कहा। अरे वाह 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 जुड़वा बच्चे, हाँ आओ मेरे पास आओ। पुतली बाबा तुम तो बहुत दुष्ट निकले, बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। दुष्ट मैं नहीं, तुम सब बच्चे हो। मेरा मंच मेरे पुतले सब खराब कर दिए। तुम सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, तुमने मेरी कला का अपमान किया। और फिर मैंने ये सारी कमाई लेकर ये छड़ी हासिल की जो बच्चों को पुतला बनाती है। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए। कभी नहीं। चुटकी राजू। अरे चटनी तो ले जाओ। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 बले रे 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 बला बला। लगता है उस्ताद को भोलू की बहुत याद आई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जांच रहा था कि ये अपना भोलू ही है या फिर ये कोई कठपुतली तो नहीं। को ये घी और बूंदी के डब्बे जल्दी से दिलाना है, फिर फटाफट महल के जश्न के लिए लड्डू बनाने हैं।
चश्मा आधे घंटे में शुरू होने वाला है। दोस्तों हमारे पीछे कोई है। क्या हो गया है तुम्हें भीम? यहाँ कोई नहीं है। महाबंदर, शायद वो मौसी की तरह लड्डू बनाने वाला होगा। क्या गोरिल्ला लड्डू नहीं बनाते? माँ ने पहलवानपुर की हलवाई से खास घी और बूंदी मंगवाए थे, लेकिन अब उस गोरिल्ला ने सब ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अरे ये तो हमारी तरफ क्या आ रहा है? आ जाओ। हो गया, अब भागो यहाँ से। समझ आया, मम्मी गोरिल्ला अपने बच्चे को खिलाने के लिए ये ठेला लेना चाहती थी। ओहो, और हमने ठेला लेते वक्त उसका बच्चा भी गलती से ले लिया। इसे वापस लौटाना होगा। जल्दी से लौटाओ। मम्मी गोरिल्ला, आपका बच्चा वहाँ भाग गया है, पीछे देखो। मम्मी गोरिल्ला ने हमें झटपट गांव पहुंचा दिया। वाह, हम वक्त पर पहुंच गए। और है यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील से घुमाने ले गई हो। खाने का इंतजाम करते हैं। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। रुको जग्गू, कुछ गड़बड़ है। इस जंगल में तो केले के पेड़ भी नहीं है। जग्गू द मंकी गैंग। और तुम्हें
ये सब हमें पवित्र गोले ने बताया है। पर ये पवित्र गोला क्या है? कृपया मेरे साथ आइए। देखता हूँ ये जग्गू किंग कैसे बनता है। ये रहा पवित्र गोला, इसमें सब दिख जाएगा। ये रहे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पर एक रात एक अनहोनी की वजह से मंकी किंग दुनिया से चले गए। उस रात के बाद बनाना लैंड का कोई किंग नहीं। तो हर साल ये पवित्र गोला एक बंदर चुनता है जिसमें मंकी किंग की आत्मा आकर हमारा मार्गदर्शन करती है। मुझे लगता है जग्गू को इनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल भीम, बिल्कुल। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है, इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उसे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं नहीं डरा। अच्छा ये बात है, पर मेरी कहानी सुन के तुम सबके पसीने छूट जाएंगे। हाँ हाँ सुनाओ, देखते हैं कौन डरता है। ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि इसी जंगल की है। कहते हैं इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और आदमखोर भेड़िया मानव रहता है, और वो पूर्णिमा की रात में आता है। क्या? पूर्णिमा तो आज ही है। हाँ, और हमें बच के रहना चाहिए। चलिए महाराज, ताजपोशी के लिए तैयार हो जाइए। हमें हमारे महाराज मिल गए। महाराज जग्गू की जय। मुझे लग रहा है कोई जग्गू को हटाने की साजिश कर रहा है। हमें चौकन्ना रहना चाहिए दोस्तों, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। अरे ये कैसी आवाज है, चलो चल के देखते हैं। अब तुम सब यही फंसे रहो और मैं बनूंगा बनाना लैंड का नया किंग। मैं ही हूँ सबसे तेज और बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट। अब तुम सब यही सड़ो। बहुत मुश्किल है भीम, उसे मार्शल आर्ट में महारत हासिल है। यहाँ वो स्टील बॉडी के नाम से फेमस है। हाँ?
शुक्रिया मंकी किंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चिंचोंग, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं बनाना लैंड की रक्षा तुम्हारे काबिल कंधों पर रखना चाहूँगा। चले दोस्तों, मुझे ढोलकपुर की बहुत याद आ रही है। ये राजा बनना अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं है। बाल दिवस के इस तोहफे को बनाते बनाते मेरे ये दो बाल भी गिर जाएंगे। मुझे तोहफे में बॉल मिली और मुझे एक बूमरैंग और मुझे मिले केले। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह को लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। कसम जग्गू भैया, आपके जन्मदिन पर कोई अनहोनी नहीं होने दूंगी। जग्गी, जन्मदिन मुबारक हो जग्गू भैया। जग्गी, आज तो जम के जश्न होगा। तुम भीम और मेरे दोस्तों को मिलो तो सही। मिलो 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 मिलो। अरे वाह, लड्डू! अभी से जश्न शुरू। ये कौन है जग्गू? मैं जग्गू की मौसी की बेटी जग्गी हूँ। तुम भीम हो ना? तुम आओगी जग्गी? माँ के हाथ के बने लड्डू सारी दुनिया में मशहूर है। पर आज तो मेरा नहीं, तुम जा। मैं जग्गी को ढोलकपुर घुमा लाता हूँ। अब तक भीम ने मुझे विश कैसे नहीं किया? क्या वो मेरा जन्मदिन भूल गया और राजू और बाकी सब भी भूल गए?
मेरी क्या अनहोनी हो गई? क्या हुआ जग्गी, तुम अकेली? जग्गू कहाँ है? भैया लापता है, उन्होंने ये चिट्ठी भी छोड़ी है। अलविदा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा पुराना दोस्त जग्गू। तुम परेशान मत हो, हम मिलकर ढूंढते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये निशान तो ताजा लग रहे हैं। जन्मदिन मनाए बिना ही जा रहे थे? जग्गू बंदर, मस्त कलंदर, कदम कदम पर साथ निभाए। जग्गू बंदर, मस्त कलंदर, छोटे बड़ों के मन में समाए। ला 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 ला, ला 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 ला। Oh,
आर्या सबसे ताकतवर है। अच्छा खेला भीम। भीम बच्चों सुनो। अरे प्रोफेसर धूमकेतु क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? भीम बच्चों देखो। अरे नहीं, इसे सूंघो। मैंने दुनिया का सबसे खुशबूदार इत्र बनाया है। सूंघो सूंघो। ये तो वाकई में बहुत अच्छी खुशबू है। अरे ये खुशबू कैसी, ये इत्र कहाँ से लिया भाई? मुझे भी ऐसा इत्र चाहिए, मुझे भी मुझे भी। अरे रे रे, मुझे धक्का देकर इत्र नहीं पाओगे, हटो पीछे हटो हटो। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वाह वाह, सबको मेरा इत्र इतना पसंद आया। आप सब चिंता ना करें, मैं ये इत्र सबके लिए बनाऊंगा, सबके लिए।